हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। जौनपुर मेडिकल कॉलेज के निजीकरण के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विश्वविद्यालय गेट पर किया धरना प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह मुन्ना के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के निजीकरण के विरोध में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने पूर्वांचल के अंतर्गत 12 जिलों को शामिल किया था, बाद में 9 जिले तथा अब प्रदेश की योगी सरकार पूर्वांचल के अंतर्गत 2 जिलों को शामिल करने में लगी हुई है। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ रुपए की मांग किया था, जिसमें से 50 करोड़ रुपए पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने योगी सरकार को दे दिया है, जिससे आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 50 करोड़ रुपए नहीं वापस मिले तो आम आदमी खुलकर विरोध करेगी। उन्होंने सरकार पर मेडिकल कॉलेज के निजीकरण का आरोप लगाया। आरोप है कि पूर्वांचल उन्होंने निजीकरण से होने वाली समस्याओं के बारे में कहा कि आम गरीब जनता को महंगाई इलाज कराने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है और यहाँ OPD भी नहीं चल रही है। निजी कारण पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस तरह से निजी कारण होता रहेगा तो भाजपा जौनपुर में कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाएगी और हम सब इसका खुलकर विरोध करेंगे। उन्होंने डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि पर सरकार को जमकर कोसा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मेडिकल कॉलेज आवास एवं शहरी योजना राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वह मेडिकल कॉलेज के निजीकरण पर चुप है। इसके लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार को किसान विरोध कराते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह सरकार किसानों को खाद नहीं दे रही है और न ही बीज दे रही है और ना तो किसानों का धान सरकारी रेट पर खरीद रही है, बल्कि किसानों को लौटाया जा रहा है और उनका धान भी वापस कर दिया जा रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यदि दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी स्वामीनाथन का नियम लागू कर दिया जाए तो किसानों की आय अवश्य दुगनी हो जाएगी और किसान पूरी तरह से खुशहाल हो जाएंगे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा MSP पर धान न खरीदने के विरोध की प्रशंसा की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी पार्टी किसानों के हित के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा 50 करोड़ रुपए योगी सरकार को देने का आरोप की जानकारी लेने के बारे में कुलपति से बात करने की कोशिश की गई, किंतु उनसे बात नहीं हो सकी। मौके पर व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव NH तिवारी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष अनुराग मणि त्रिपाठी, राजेश अस्थना, अमरनाथ यादव, बंटी अग्रहरी, मोहम्मद जैदी, जियालाल प्रजापति, विनोद प्रजापति, दिलीप सिंह, मनीष सिंह, डॉक्टर दिवाकर मौर्य, मीडिया प्रभारी विद्याशंकर मिश्र आदि लोग मौजूद रहे। देखिए जौनपुर से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। सर अपना पर्चे बताइए। मेरा नाम सूर्य नारायण सिंह मुन्ना है, मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष जौनपुर का हूँ। और आज के बारे में बताइए। आज हम लोग जो भी आम आदमी पार्टी के सिपाही यहाँ केजरीवाल के सिपाही और संजय सिंह के सिपाही आए हुए हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय हमारा वह विश्वविद्यालय था, पहले इनके अंडर में 12 जिले आया करते थे, बाद में कुछ सरकारों ने 9 जिले कर दिए, फिर सरकारें जो आई वो 4 जिला दे दिया हमको। आज वर्तमान सरकार आदित्यनाथ योगी की सरकार 2 जिले और काट करके मात्र 2 जिले हमको दे रही है और हमें से फंड ले रही है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय से 100 करोड़ का डिमांड आदित्यनाथ योगी सरकार ने की थी, 50 करोड़ रुपया पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने आदित्यनाथ योगी सरकार को दे दिया है, क्योंकि आजमगढ़ में वो विश्वविद्यालय बनवाने का वो कर रहे हैं, वहाँ विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी से। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय 50 करोड़ रुपए क्यों देगा, 100 करोड़ रुपए क्यों देगा? अगर वो 50 करोड़ रुपए उसका वापस नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी इनका विरोध करेगी, इनके मंत्रियों का विरोध करेगी। और जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज को इन्होंने निजीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और निजीकरण जिस दिन इसने कर दिया, आम आदमी जो हमारा जनमानस है, गरीब आदमी है, ठेला खुमचा वाले हैं, जितने भी आम आदमी हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ महंगा हो जाएगा, ऑपरेशन महंगा हो जाएगा, फिर मेडिकल कॉलेज का क्या मतलब निकलता है? हम लोग निजीकरण के खिलाफ हैं और विश्वविद्यालय का पैसा अगर 50 करोड़ रुपए वापस नहीं करती है ये सरकार, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं ये चैलेंज करता हूँ इनके मंत्रियों को, आदित्यनाथ योगी जी को, आपके मंत्री, आपके विधायक
और जौनपुर जनपद में यहाँ कार्यक्रम नहीं करने पाएंगे, मैं उसका विरोध करूंगा। और हमारे इसी विधानसभा से यहाँ के जो मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी आते हैं, विश्वविद्यालय भी उन्हीं विधानसभा में पड़ता है, मेडिकल कॉलेज भी उन्हीं विधानसभा में पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है जौनपुर की जनता के बारे में यह मंत्री जी नहीं समझ रहे हैं, और यह चुनाव लड़ेंगे उसका जवाब 2022 में यहाँ की जनता आपको देगी। अच्छा, जो मेडिकल कॉलेज लोकार्पण हो गया वो क्या चालू हो गया है मेडिकल कॉलेज? नहीं, अभी चालू नहीं हुआ है, इन्होंने जो है लिपा पोती करवा दिया है, क्योंकि इनका लिपा पोती बराबर काम रहता है। लिपा पोती करा के फीता काटने का इन्होंने काम किया है और निजीकरण करने का ये प्रयास कर रहे हैं। अभी ओपीडी नहीं चल रही, ओपीडी नहीं चल रही। डीजल पेट्रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? डीजल पेट्रोल के बारे में, डीजल पेट्रोल यह लगातार यह सरकार पिछले दीपावली से लेके इस दीपावली के अंतर्गत अगर देखा जाए 45% पेट्रोल में वृद्धि।